दोस्तों, इस समय आप लोग दरभंगा लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दूं कि इस समय बिहार में चुनाव का माहौल बना हुआ है। इसी बीच दरभंगा के सिमरी में एक रैली को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जबानी हमला करते हुए ये कहा कि देश को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाना है, जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेगा। लगभग 6.5 करोड़ लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और लगभग 2.5 करोड़ लोग जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, और ये गारंटी हो गई है कि बिहार का जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है, यदि किसी हॉस्पिटल में आप भर्ती हो जाइए, 5 लाख तक का भी मोदी और नीतीश कुमार पेमेंट करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, हम आग्रह करने आए, निवेदन करने आए, लोगों के बीच में आते होंगे, लोग चर्चा करते होंगे कि लालू प्रसाद जी का बेटा कह रहा है कि हमने तो इतना नौकरी दे दिया, और पहले ये तो बताओ संविधान का ज्ञान है कि नहीं पढ़ूंगा, बेचारा पढ़ा नहीं तो ज्ञान हुआ नहीं, और लोगों को ये गुमराह कर रहा है। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला था, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी जब 2005 से लेकर 2020 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो सब लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया, और एकदम आश्वस्त करता हूं, फिर जब मुरारी जी के लिए वोट मांगने अगले साल आऊंगा, एकदम आश्वस्त करता हूं, नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करके ही आपके बीच में आऊंगा। एक एक नौजवान जो बेरोजगार है, एकदम खड़ा होकर इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ताकत देने का काम किया, तो जिताइएगा ना सब जी को, पक्का ना, हाथ उठा के बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, माला पहना देना तो जिताइएगा ना, पक्का ना, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस मौके पर दरभंगा लाइव की टीम ने सभा में मौजूद लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। आपको बता दूं कि यह रैली आयोजन सिमरी हाई स्कूल के स्टेडियम में मधुबनी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में हुआ, जिसमें सम्राट चौधरी विपक्ष पर हमलावर हुए। वहीं दरभंगा लाइव की टीम ने इस सभा में मौजूद लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की। कई लोगों ने दरभंगा लाइव पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। सम्राट चौधरी जी सभा को संबोधित करते हुए एक नारा दिए हैं, मोदी जी बोले हैं इस बार 400 पार, तो क्या लगता है जाले विधानसभा के जो युवा है 400 पारा को सफल बनाएंगे? हम लोग केवटी विधानसभा के कार्यकर्ता, मेरा नाम किशन कुमार गुप्ता है, उपाध्यक्ष हैं सिंहवाड़ा पूर्वी मंडल का। अगर सम्राट जी ऐसा टास्क दिए हैं तो कहीं ना कहीं सोच समझ के दिए होंगे, मोदी जी का जो विजन चला उस पर काम किए हैं मोदी जी, उसी के आधार पर हम लोग 400+ 400 सीट जीतने का लक्ष्य को जो है हम लोग पार करेंगे। क्या लगता है लालटेन मधुबनी में जलेगा या मुरझा जाएगा? लालटेन का जमाना ही अब खत्म है, नीतीश कुमार जी 2005 के बाद जब सत्ता में आए, एनडीए की सरकार बनी, तब से ही लालटेन का जमाना खत्म हो गया, अब लालटेन का कहीं कोई जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे मधुबनी लोकसभा की जनता से, क्या अपील होगा आपका? मधुबनी लोकसभा की जनता से यही अपील करेंगे कि इस बार भारी संख्या में मतदान करें और माननीय डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी को 5 लाख पार से जिताने का काम करें। आपका नाम? किशन कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष युवा मोर्चा सिंहवाड़ा पूर्वी मंडल। सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जटाशंकर सिंह हुआ। किस विधानसभा से आते हैं? केवटी विधानसभा से। केवटी विधान से। आज सम्राट चौधरी जी सिमरी में आए हुए थे, सभा को संबोधित किया और आप भी वहां पर बैठे सुन रहे थे, क्या लगता है सभा को संबोधन जो किए सुनने के बाद कितना उत्साह भरा? काफी उत्साह भरा। इस बार अशोक यादव जी को दोबारा सांसद भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है? जी पूरी कर ली गई है, 5 लाख से पार जिस पर जीतेंगे। लेकिन फातिमी जी कह रहे हैं कि इस बार हम मधुबनी में लालटेन जला देंगे। फातिमी जी के कारण हम, मेरे गांव में कोई फातिमी जी को पहचानता तक भी नहीं है। क्या लगता है इस बार लालटेन मुरझा जाएगा फिर से? मुरझाया हुआ है, लालटेन का जमाना ही खत्म है।